उसमें लड़ाइयां ही चलती आ रही थी, तो मैं भी थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो गया था, थोड़ा काम पे बहुत फर्क पड़ गया था, डिप्रेशन में था थोड़ा सा, जी क्योंकि दुकान पे जो शो पे टाइम ही नहीं देना पड़ रहा, बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा था क्लिनिक टाइम, ठीक है। तो थोड़ा पैसों को लेके या कैसे भी, तो मैं भी थोड़ा प्रेशर में जा चुका था। तो मुद्दा क्या मुद्दा है, यह हो मुद्दा कि क्या अभी है? मुद्दा ये सर मुद्दा यही है कि हमारा जो है तो निखत के घर वाले भी आए थे अभी 1 महीना पहले हमारे घर पे, तो वो ही फैसला हो गया था हमारा आपस में आप थोड़ा कोर्ट जोर की से कार्रवाई से बोलेंगे, लेके। जी सर, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे, मुझे आपके सुनने में थोड़ी सी सर परेशानी हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 1 महीना पहले हमारा फैसला हो गया था कोर्ट में। तैयब भाई, मुझे क्यों ये लग रहा है कि जी आप प्रॉपर या तो कुछ छुपा रहे हैं, या आप बात नहीं करना जानते, या बात करना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं। आपको क्या पूछना है, मुद्दे पर आप नहीं आ रहे हैं। आप जो बात कर हाँ रहे सर, मैं हैं, मुद्दे तो आ रहा हूँ कि हमारा 1 महीना पहले फैसला हो चुका था, तो अभी वो अपने निकट अपने ओ घर मेरे पे चली गई भाई, थी, ओ मैं मेरे घर आ भाई, गया था तैयब अपने। तैयब तैयब, फैसला, तलाक का जी फैसला, आपने तलाक दी अपनी बीवी को। नवाब, इसको ले जाओ उधर। मैंने देखो, मैंने बेटे, मैं तैयब उस टाइम गुस्से तैयब पे था। तैयब तैयब, बेटे, जब किसी को तलाक दी जाती है और उस तलाक के बारे में पूछा जाता है, तो ये कहा जाता है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी है, मुझे इसका मसले का हल बता दो। आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या बातें कर रहे हो, जिसका कोई सरो पैर नहीं है। सर आप मसला पूछ रहे हैं तो मसला ही बता, वो बता रहा हूँ ना, मैं तो जो बीता हुआ कर ले वो बता रहा हूँ। तो इसमें यही है कि इसमें मतलब तलाक हो गया था हमारा, चलो यही यही से ही बता दूं मैं, तलाक हो गया था हमारा, वो अपने घर पे भी चली गई थी, तो अभी अभी के लिए मुझे मसला जानना है। उसने बात की होगी निकट ने आपसे जी मसले के लिए, जी तलाक के मसले के लिए उसने बात की होगी, तो वो भी आपने ऐसी है बताया आपकी, होगा बिल्कुल वो कि आपकी तरह से है। वो भी उन्होंने, इन्हें ने ये कर असल में दिया, वो कर परेशानी दिया। यही है, वो भाई ऐसे नहीं पूछ, परेशानी असल में ना परेशानी यही है हमारे बीच में कि वो भी इसी तरह के माइंड की है और मैं भी इसी तरह का हूँ, तो इसलिए बन नहीं पाई हमारी। नहीं तो आप दोनों हम मिजाज हो तो आप हम मिजाज की तो बनती है, हम मिजाज की तो बना करती है। अगर मिजाज ना मिले तब जी नहीं बनती। अब वो अगर आपके जैसी है और आप उनके जैसे हैं, तो आपकी तो दोनों की बननी चाहिए थी ना। इख्तिलाफात कुछ और हैं, सर, बनने में बनी भी काफी, सर इख्तिलाफात कुछ और बनने में ना हैं। बनी भी काफी, तो ओ मेरे भाई, मतलब इख्तिलाफात कुछ और हैं। आपने अपनी बीवी को तलाक दी है, अब आप क्या जानना चाह रहे हो ये आप हमें बताइए। सर मुझे यही जानना है, मैंने तलाक दी है कानूनी कार्रवाई से, तो वो तलाक हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे ये जानना है बस। आपकी बीवी कहाँ आपके साथ रहती थी जब आपने तलाक दी, या आपने मायके में थी? हाँ उस टाइम नहीं, उस टाइम मेरे पास थी, हमारे जब साइन हुए थे कोर्ट में वो 1 दिन पहले अपने घर गई थी, तब साइन साइन होने से तक मेरे पहले पास तो थी। आपने जब उनको तलाक, ये कौन से दिन की बात है? क्या साइन आप होने तो से माशाल्लाह जी से मेडिकल से आपका ताल्लुक है, कौन सी डेट थी वो जब आपने साइन करे? शायद 18 तारीख थी सर, पिछले महीने की 18 जून। जून। जी राइट, अच्छा, 18 जून को आपने अपनी बीवी को तलाक दी है। अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो तलाक हुई है या नहीं, या नहीं हुई है? जी सर, और आपने अपनी बीवी से कब अज़वाजी ताल्लुकात कायम किए थे? वो तो सर तलाक से पहले तलाक से पहले कितने दिन पहले? लगभग 1 वीक पहले। हाँ, और उसके बाद आपकी बीवी को हैज तो नहीं हुआ था तलाक देने से पहले? अच्छा, नहीं सर, तो ऐसी सूरत में जब
मेरी वीडियोस देखी हैं आपने? नहीं देखी, या मुझे नहीं लगता कि आपने वीडियो देखी है। हाँ सर, हैं? मैंने देखी नहीं, पर मेरी बीवी देखती रहती है सर, हाँ, वो तो नहीं तलाक तो देखती आपने रहती है, दी वो है हमें ना? टाइम नहीं मिल पाता तो ज्यादा। भाई तलाक आपने दी है, रुजू आपको करना है। बीवी तो अगर वीडियो देखेगी तो बीवी को पता चलेगा। आपको, आप तलाक का मसला पूछना चाह रहे हो तो आपको देखनी चाहिए ना वीडियो। सर मसला यही है कि ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए एक तो ये कि आपको थोड़ा सा वक्त भी निकालना चाहिए, जी सर, और दीन सीखने के लिए जी आपको सर, थोड़ी सी जद्दोजहद भी करनी चाहिए। रोहाना में बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, रोहाना जी सर, बहुत जी करीब हाँ से सर, जानता हूँ मैं रोहाना के लोगों को। जी सर, रोहाना में तो मदरसा भी है ना आपके यहाँ? हाँ एक मदरसा है हमारे यहाँ जी पे, मदरसा अशरफुल उलूम के नाम से। जी हाँ, मुझे पता है मदरसा अशरफुल उलूम है और बागोवाली में खादिम उलूम है, जी सर, मुझे जानता हूँ, मैं जी सर, जानता जी हूँ सर, आपके इलाके को। बिल्कुल राइट राइट राइट, जी तो आप देखिए, उसूली तौर पर अगर आपने अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के बाद तलाक दी तो वो तलाक एक भी शुमार जी नहीं की जाती। सऊदी अरब के उलमा का मौकिफ ये है, बीवी से हमबिस्तरी करने के जी बाद सर, उसको हैज से पहले अगर आपने तलाक दी है तो वो तलाक काउंट नहीं की जाएगी। और अगर हैज में आपने तलाक दी है अपनी बीवी को, वो तलाक भी काउंट नहीं की जाएगी। तो ये जो तलाक आपने दी जी है अगर हमबिस्तरी करने के बाद हैज से पहले दी है तो ये तलाक नहीं हुई। लेकिन देवबंदी मकतबे फिक्र में, या वहाँ हमारे यहाँ जो मकतबे फिक्र है बागोवाली और मुजफ्फरनगर और रोहाना का, उसमें ये तलाक़ें हो जाती जी हैं। अब मैंने आपकी बेगम को भी, आपकी हाँ, बेगम भी चूंकि, यहाँ पे तो बता देते हैं सर, जी, आपकी बेगम भी आप ही की तरह से है बिल्कुल, और वो मैं डर रही हूँ मुझे सर मार मैंने देंगे बताया तो मुझे हमारा मिजाज, नहीं, लेकिन हाँ वो ऐसे जो आप हमसे जैसा, तो घर आप वाले जैसा, हैं असल में ओ तैयब दिक्कत तो घर भाई, ओ वाले हैं। तैयब भाई, आपकी उम्र कितनी है? 22। तो 22 का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तो जवान आदमी हो ना यार, अल्लाह ताला ने आपको, आप जी मर्द सर, जवान हो, आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। आप अपने अपने हक के लिए, अपने हक का आवाज़ बुलंद कर सकते हो और मुतालबा भी कर सकते हो। तो एक तलाक भी ये नहीं हुई जी है सर, जो सऊदी अरब का मौकिफ है इससे, उसके हवाले से। और अगर इसको हम ये कहें कि एक तलाक जी सर, हुई है तब भी आप रुजू कर सकते हो। अभी 6 जून की या 16 जून की बात आप कर रहे हो तो 3 महीने के अंदर अंदर आप रुजू जी कर सर, सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ है? रुजू सर, अभी यहाँ से कैसे रुजू होगा, आप मुझे ये सॉल्यूशन बताइए। रुजू आप कह दीजिए कि मैंने रुजू कर लिया, अपनी बेगम से कह दीजिए, और ये कॉल मैं आपकी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। हाँ आप कहने अगर पे, रुजू कर रहे कहने पे हैं तो ये जाएगा। काफ़ी है आपके लिए। देखिए, रुजू के लिए शर्त नहीं है कि आप वहाँ जाएं और बीवी से हम बिस्तरी करें, बल्कि आप बीवी से ये भी कह सकते हैं कि मैंने रुजू कर लिया। वो रुजू करना, उसको इत्तला दे देना, ये काफ़ी है। जी सर, तो आप तो अपनी यही बेगम मसला से था, तो तलाक नहीं हुआ ना बस। हाँ उसूली तौर पर देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये कि सऊदी अरब का जो मिजाज है और सऊदी अरब का जो फतवा है, यहाँ पर शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन जी, बाज का और दूसरे उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये तलाक ही नहीं हुई है, क्योंकि आपने अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद तलाक दी है। असल में आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास टाइम नहीं है और आपने इसको इतना अहमियत भी नहीं दिया। अगर आप वीडियो देख लेते तो आपको सवाल करने में भी आसानी हो जाती। जो मैंने वीडियो आपको भेजी, आपके पास उतना टाइम नहीं है यार कि आप वीडियो देख लो। क्या मैं कहूँ आपको? नहीं मैं देख लूंगा सर, अभी नहीं तो अभी देख मैं फ्री लूंगा, हूँ तो अब मैं अभी देख लूंगा सर। अल्लाह के बंदे, अगर आप ये देख लेते तो आपको कम से कम सवाल करने का भी सलीका आ जाता। तो सवाल, हमारे यहाँ तो लोग सवाल करना भी नहीं जानते तलाक के बारे में कि किस तरीके से उन्हें सवाल करना चाहिए। अब आप उल्टा बांस बरेली, पता नहीं कौन कौन सी बातें सुना रहे हो। मुद्दे पर आओ ना कि मैंने अपनी बीवी को 16 जुलाई को या 16 जून को तलाक दी है, और ऐसी जी सिचुएशन में सर, तलाक दी है। आप तलाक देना चाहते थे उनको? नहीं सर मैं देना नहीं चाहता था, पर पर गुस्से में,
खैर एक एक देखिए, काफी हुआ अभी। अगर उसको हम ये कहें कि आपने हमबिस्तरी के बाद तलाक दी है तो वो तलाक कंसिडर नहीं की जाएगी सऊदी अरब के मुफ्तियान इकराम के फतवे के मुताबिक। लेकिन अगर हम ये भी कह लें कि आपने तलाक दी है तो एक तलाक होगी, आप रुजू कर सकते हैं, आपकी बीवी आप पर हराम नहीं हुई है। अशरफुल उलूम वालों ने क्या बताया आपको? सर वहाँ तो मैंने बात नहीं की, मैं आ गया था इधर तो उसने निकट नहीं, मेरी वाइफ ने बात की होगी, मुझे पूछना पड़ेगा। उसने पता नहीं क्या बात करी होगी, वो भी अल्लाह, वो भी बिल्कुल आपसे ज्यादा। उसकी उम्र कितनी है? उनकी शायद 26 है सर। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों ही बिल्कुल बच्चे हो, बिल्कुल बच्चे हो। अल्लाह ताला आपको दोनों को प्यार और मोहब्बत में रखे, अपना बहुत ख्याल रखो। और ये दरख्वास्त है सर, क्योंकि बहुत ज्यादा दुआ की दरख्वास्त है, क्योंकि हमारा 1.5 साल निकाह हुआ है, तो अभी 1.5 साल ही हुआ है, तो बस लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं। हाँ तो ये लड़ाइयां ना करो, आप तो पढ़े मेच्योर्ड हो, आप मेच्योर्ड बनने की कोशिश करो। और यहाँ आप किंग फहद हॉस्पिटल में हो जद्दा में? जी जी जी, कभी इधर आना हो तो इंशाल्लाह इसी नंबर पे। अभी लोकल का नंबर नहीं दिया मैम ने असल में मुझे। मैम कौन है? वाईफाई से ही चलता है इधर। मैम कौन है आपकी? यहीं पे ही है जो हमारी हेड है, जिनके थ्रू मैं आया था यहाँ पे। वो कहाँ की हैं? ये तो अभी इतना मालूम नहीं हो पाया सर, तो रहती तो यहीं है मैम, थोड़े दूर ही है इनका रूम भी। सऊदी है? सऊदी या इंडियन की कोई है? हाँ जी सऊदी है, सऊदी है, सऊदी है, तो पाकिस्तानी पर मतलब पाकिस्तान से है मैं, पर रहती यही है काफी, यहीं पे फैमिली है उनकी सब। ओके अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आऊंगा इंशाल्लाह किसी रोज आपको, अब आप अपना लोकल नंबर ले लें तो आपसे बात करूंगा। लेकिन रोहाना में, रोहाना में अलदीस लोग भी, रोहाना के अंदर अलदीस लोग भी रहते हैं, तो वहां आप अलदीसों से भी मिलजुल कर रहे हैं। और देवबंद में निखत को भी कहें, निखत की भी प्रॉब्लम है असल में, वो भी बेचारी आपकी तरह से नहीं बोल पाती, आप दोनों ही बस ऐसे ही हो। सर उनका भी ऐसा ही हो रहा है, उनके घर वाले जो है ना बहुत ही अनपढ़ टाइप के हैं, पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं। तो बहरहाल कौन अनपढ़ है कौन क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आपकी अगर आप चाहते हो अपनी बीवी से रुजू करना तो उसमें कोई रुजू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तलाक ही नहीं दी है, तलाक ही नहीं होती सऊदी अरब के मिजाज के मुताबिक, सऊदी अरब के फतवे के मुताबिक और मुफ्ती आजम के फतवे के मुताबिक ये तलाक नहीं हुई है, क्योंकि आपने अपनी बीवी से हमबिस्तरी करी और फिर उसके बाद एक दिन के बाद दो दिन के बाद उसको तलाक दे दी, तो ये तलाक कंसिडर नहीं की जाती। जी सर आ गई समझ में आपके? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आ गए समझ में, मैं समझा दूंगा उसे। आपका कभी भी इधर आना हो तो इंशाल्लाह मिलिएगा, मैं इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात करूंगा। और आप मेडिकल स्टोर में काम करते हैं तो आपसे भी दवाइयां तो कम से कम मिल ही जाएंगी ना आपसे? जी जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कभी भी किसी भी चीज की इस तरह की मेरी खिदमत में कोई भी जरूरत हो तो आप मेरे पास कॉल कीजिएगा इंशाल्लाह। अब आप अपना नंबर ले लें, और मेरा मेरा ताल्लुक भी देवबंद से ही है, मैं निखत के गांव का ही रहने वाला हूँ। निखत के गांव के अंबेटा के? नहीं अंबेटा का नहीं हूँ, मैं हूँ देवबंद का। अब आप कह रहे हो देवबंद के, वो अंबेटा की है क्या? देवबंद से बिलोंग हूँ। जी जी हाँ, वो तो मतलब पास में ही है अंबेटा के, देवबंद अंबेटा मुझे पता है जी, वहीं से ही बिलोंग करती है। जी 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 बारह, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आपकी फीस बताएं? कोई बात नहीं, मैं आपसे मुलाकात करता हूं और इंशाअल्लाह ताला आप पहले यहां पैर जमा लें, अभी तो आप नए नए आए हो ना, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हम आपकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। आप कहाँ पे हो? यहाँ पे सऊदी में? यहाँ जद्दा ही मैं हूँ, आपके शहर में ही हूँ। जद्दा में हूँ? जद्दा में हूँ बिल्कुल, साइकिल चौराहे के पास, साइकिल है ना बड़ी सी, उसके पास हूँ। हाँ सर अभी तो मुझे पता नहीं असल में इतना, तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक आध हफ्ते में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आजकल छुट्टियां चल रही होंगी ना आपकी? इंशाल्लाह
नहीं आज ड्यूटी थी सर, आज चले आप चले थे। कॉन्ट्रैक्टर के पास आए हैं या मिनिस्ट्री के आदमी हैं आप, मिनिस्ट्री के एम्प्लॉई हैं? नहीं मैं मिनिस्ट्री का ही हूँ सर, तो उसके थ्रू आया था मैं मैम के, उन्होंने भेजा था। पहले तो मैं बोल रहे थे कि उन्होंने मेडिकल वगैरह के मेरे सब डॉक्यूमेंट मंगवाए थे, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे मेडिकल वार्ड में ही काम करना है आपको, डॉक्टर्स बनने के चलिए, लिए बहरहाल अभी बहरहाल तो इंशाल्लाह मैं मुलाकात सोचे करते थे। हैं, इंशाल्लाह आपसे जल्द ही मुलाकात करते हैं, और ये जी गुफ्तगू जी बड़ी खुशी मैंने होगी आपसे उसके मिलके सर। निगहत के लिए रिकॉर्ड कर ली है, निगहत को भी ये बता दूंगा, इससे पता चल जाएगा कि इस सिलसिले बिल्कुल में जो सऊदी अरब के मुफ्ती आजम का फतवा है वो ये कि ये तलाक ही कंसिडर नहीं की जाएगी, तलाक नहीं होती है ऐसी सूरत में, एक आदमी अपनी बीवी से हमबिस्तरी हाँ करे और बिल्कुल बाद में सर तलाक दे दे, और हैज तलाक देने का जी सही वक्त ये होता है कि औरत हैज से पाक हो और उसको बगैर छुए बगैर हम इस तरीके किए उसको तलाक दी जाए, तो ये सही तलाक देने का तरीका है जो कि तलाक कंसिडर की जाती है, और अगर हैज में तलाक हो जी हम इस सर तरीके करने के बाद तलाक हो तब वो तलाकें कंसिडर नहीं की जाती। अब आपको चूंकि आप देवबंद के हैं ओके और आप रोहाना और मुजफ्फरनगर में हैं तो वहाँ बड़ा बड़े बड़ा सामना करना पड़ेगा मुखालफत का आपको, लेकिन वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मौजूद हैं, जी। रोहाना में बहुत लोग हैं अहले हदीस, कदीम लोग अहले हदीस वहाँ हाँ पर काफी मौजूद है हैं। सर ये। जी आपको आप जी जानते जी हैं किसी अहले हदीस को रोहाना में? हाँ एक मौलाना कुतुबुद्दीन एवं साहब है, उनसे काफी अच्छे हुए हैं, मेरे मुलाकात अच्छा, थी, तो अहले हदीस हैं वो, आना जाना था वैसा। जी हदीस है मैं चलिए ठीक है, मैं उन तक पैगाम आपका पहुंच बिल्कुल जाएगा, बहुत सही। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, जी सलाम जी जी अलैकुम, थैंक यू सर, सलाम जजाकल्लाह, अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह अलैकुम। वबरकातुह। ये तो हमारे ही गांव के निकले भैया देवबंद शरीफ के, चलिए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनके घर को बसा दे और अपने बच्चे हैं इंशाल्लाह, इनका भी काम हो ही गया है क्योंकि ये 2 दिन से मुझे परेशान कर रहे हैं, इन्हों और उन्हों कह गया कि इन्होंने दोनों ने फिर जीना दूबर कर रखा है। वसलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।